मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट्स का एक टॉपिक रहते हैं, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज देखेंगे, जैसे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसजुगेट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये पांच चीज़ों के हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एक साथ। तो पहले तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के उनका सम ट्रेस होता है। उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अगर अगर हमें ट्रेस ऑफ ए पता है तो ट्रेस ऑफ लेमडा ए जो होता है वो होता है लेमडा ट्रेस ऑफ ए, लेमडा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। अगर प्लस ए प्लस बी है ट्रेस ऑफ बी, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन सेंस की बात है भाई, ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़ दिया गया है तो डायगोनल एलिमेंट्स भी जुड़ जाएंगे, तो वही ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी। ट्रेस ऑफ ए बी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन है तो ट्रेस ऑफ बी ए होता है, यानी कि जो ए बी का ट्रेस होगा वही बी ए का होगा। दूसरा है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या ए टी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ए डैश या ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ए डैश का होल डैश, यानी किसी भी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया और उसका फिर से हमने उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से हमने ट्रांसपोज लिया तो मैट्रिक्स सेम आ जाती है, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है ए। अच्छा, ट्रांसपोज होता क्या है, इंटरचेंज करते हैं रो और कॉलम को, मतलब पहली रो को हम क्या कर देंगे पहले कॉलम में चेंज कर दिया, दूसरी रो को हम दूसरे कॉलम में चेंज कर दिए, तीसरी रो को हमने तीसरे कॉलम में चेंज कर दिया, तो वो जो नई मैट्रिक्स आ जाएगी वो होती है हमारी ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स, जिसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, के ए डैश, यानी कोई स्केलर से मल्टीप्लिकेशन है तो उसकी क्या वैल्यू होती है, के टाइम्स ए डैश, यानी के से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ए प्लस माइनस बी का होल डैश जो हो गया वो क्या हो गया, ए डैश प्लस माइनस बी डैश। ए बी का होल डैश मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया, यहाँ एडिशन था यहाँ मल्टीप्लिकेशन, ए बी का होल डैश क्या हो गया, बी डैश ए डैश। अच्छा, अगर एडजॉइंट ऑफ ए डैश क्या होगा, वो एडजॉइंट ऑफ ए का होल डैश। तीसरा हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ ए बार, कॉन्जुगेट ए बार मतलब ए बार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी मैट्रिक्स ए का जो कॉन्जुगेट होता है वो ए बार होता है, तो ए बार कोई कॉन्जुगेट मैट्रिक्स अगर निकालनी है तो जो भी आई के टर्म्स हैं उसकी जगह माइनस आई कर देते हैं तो हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकल आती है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ए बार का होल बार, यानी कोई मैट्रिक्स लिया उसका कॉन्जुगेट निकाला, अब किसी कॉन्जुगेटेड मैट्रिक्स का फिर से हमने कॉन्जुगेट निकाला तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है, जैसे कि हमारा यहाँ ट्रांसपोज में आ रहा था। अब यहाँ स्केलर भी साथ में है, के ए है मैट्रिक्स तो स्केलर भी साथ में है, उसका हमने कॉन्जुगेट निकाला तो के बार ए बार। यहाँ क्या था ट्रांसपोज में, के ए डैश, के ए था उसका डैश था तो के ए बार हो गया, के बार ए बार। उसी तरीके से ए प्लस माइनस बी का होल बार है, एडिशन वाला है, यहाँ पे भी एडिशन वाला था, यहाँ एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये हम देख रहे हैं, यहाँ स्केलर था और स्केलर, तो हम कंपैरिजन भी देख रहे हैं कि साथ में किस तरह से प्रॉपर्टीज़ में इफ़ेक्ट आता है। तो यहाँ पे हमने देखा ट्रेस में कोई इफेक्ट नहीं आया था, लेमडा बाहर निकल गया था, यहाँ पे ट्रांसपोज में भी कोई इफेक्ट नहीं आया था, लेकिन कॉन्जुगेट में के की जगह के बार हो जाएगा। ए प्लस माइनस बी का होल बार क्या हो जाएगा, ए बार प्लस माइनस बी बार, जैसे कि यहाँ पे दोनों में सेम टू सेम यहाँ ट्रेस में भी हुआ था, ट्रांसपोज में भी हुआ है और यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेट में भी हुआ है यही। ए बी का होल बार अब एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी है तो वो क्या होता है, ए बार बी बार। यहाँ क्या हो रहा था, ए बी का हो रहा था बी ए, ए बी का होल डैश क्या होगा,
बी डैश ए डैश, ए बी का होल बार क्या होगा, ए बार बी बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है ट्रांसजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। जिसको ए थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ए थीटा का होल थीटा क्या हो जाएगा, ए थीटा ए। इसका ए थीटा का यूज़ कहाँ आता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स में, वो मैट्रिक्स जहाँ पे, यानी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, यानी कि वो मैट्रिक्स जिनका ए थीटा ए के बराबर अगर आ जाए तो वो हमारी हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है, ए थीटा माइनस ए के बराबर आ जाता है तो वो हमारी इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है, वहाँ हमारा इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा दिखता है। तो ए थीटा का होल थीटा क्या होता है, वो ए के बराबर ही होता है, जैसे कि अभी तक तीनों प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देख रहे हैं। के ए का होल थीटा क्या होगा, के बार ए थीटा, ए प्लस माइनस बी का होल थीटा, ए थीटा प्लस माइनस बी थीटा, ए बी का होल थीटा क्या होगा, बी थीटा ए थीटा, और थीटा ए थीटा अगर निकालना है हमें तो वो हम कैसे निकालेंगे, ए थीटा एक्चुअली होता है, पहले उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देंगे, या हम ये भी कर सकते हैं पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और फिर उस मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट ले लें। हमें ए थीटा की डेफिनेशन ये होती है, पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे फिर उसके बाद, मतलब आई की जगह माइनस आई लिख देंगे, उसके बाद उसका रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे या ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये हुआ हमारा ए थीटा निकालने का तरीका। उसकी प्रॉपर्टीज यही है कि ए थीटा की पावर थीटा ए के बराबर होता है, के ए का होल थीटा होता है के बार ए थीटा, यहाँ पे के बार लग जाता है, जैसे यहाँ पे कॉन्जुगेट में लगा था, ट्रांसपोज में नहीं लगा था। ए प्लस माइनस बी का होल थीटा ए थीटा प्लस माइनस बी थीटा, ए बी का होल थीटा बी थीटा ए थीटा। अब इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इन्वर्स में पहली तो ये चीज़ है कि इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक होता है, यानी कि ये नहीं हो सकता है कि कोई मैट्रिक्स है उसके दो या तीन इन्वर्स मैट्रिसेस आ जाएं। इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक होता है, तो ए इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लिया गया और उस मैट्रिक्स का फिर से इन्वर्स ले लिया गया तो वो ए ही के बराबर आता है, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स तो वो हमारा आई के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कि ए बी का होल इन्वर्स, यानी कि जब प्रोडक्ट है दो मैट्रिसेस का, उसका मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालें तो वो होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ए बी का होल इन्वर्स होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ए डैश का होल इन्वर्स, यानी किसी ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो ए इन्वर्स का होल डैश, कोई इफेक्ट नहीं आता है इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये तो थी हमारी कुछ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज। अब हम कुछ देखते हैं डिटर्मिनेंट की भी प्रॉपर्टी साथ में देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट में ये देखते हैं कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए डैश के बराबर होता है, यानी कि या डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश के बराबर होता है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है उस या फिर उसका ट्रांसपोज लिया जाए वो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट लिया गया दोनों सेम आएंगे। यदि हम कॉलम एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करते हैं या किसी रो को दूसरी रो से इंटरचेंज करते हैं, तो अगर एक बार इंटरचेंज किया है तो माइनस वन का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट में आगे। मतलब यदि सी वन रो को सी टू रो से इंटरचेंज कर दिया है तो माइनस वन आगे नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। अब अगर कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट है हमारे पास तो हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, यानी कि कॉमन पूरे मैट्रिक्स में होता अगर तो के यहाँ पे बी वन बाई के आ जाता, बी टू बाई के आ जाता, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट है तो रो वाइज चलता है कॉमन या कॉलम वाइज कॉमन चलता है। तो यहाँ पे पूरी रो में वो चीज़ कॉमन होनी चाहिए तो या कॉलम में कॉमन होनी चाहिए तो वो चीज़ बाहर आ जाती है। तो यहाँ के कॉमन कर लिया तो ए वन ए टू मैट्रिसेस में पूरे एलिमेंट्स के साथ चलता है, जबकि डिटर्मिनेंट में रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन चलता है।
या हम किसी भी मैट्रिक्स का के ए मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो होता है के की पावर एन मॉड ऑफ ए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, के मॉड ऑफ के ए जो होता है वो होता है के की पावर एन मॉड ऑफ ए। अगली प्रॉपर्टी है एडजॉइंट से रिलेटेड। एडजॉइंट मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए की होल पावर एन माइनस वन। एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए होता है मैट्रिक्स की कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए की कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब किसी भी मैट्रिक्स अगर कोई दी हुई है ए, तो उसकी कोफैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। कोफैक्टर्स की जो नई मैट्रिक्स आती है उसका अगर हम रो कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं या ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो ए इनवर्स इस तरह से आराम से निकाला जा सकता है। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। तो ये थी हमारी कुछ मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज। थैंक यू।